Kusum. सारी गलती की जड़ निकिता है। I hate her. निकिता, भाई तुम ही तो भागे दौड़े चली जाती थी उसके पास छोटी छोटी बात लेकर सलाह मशवरा कर। हाँ तो गलती आपकी है ना? मैं? हाँ, आपने कभी मुझे गाइड ही नहीं किया। इंसान को कोई ना कोई तो चाहिए ना सलाह मशवरा करने के लिए। मुझे सब लोगों के सामने नीचा दिखाया। मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसने मुझे कच्चे कान दिया। मुझे गलत नहीं कहा उसने? क्या? What I mean to say is कि तुम ही बहुत प्रभावित रहती थी उसके स्टाइल, क्लास। वैसे you were highly impressed by. लेकिन अभी तो मैं highly depressed। इतना बुरा लगा है ना मुझे। देखो, जितनी गलती करनी थी सब कर ली। मेरी मानो तो तुम ज्योति और विश्व से भी कुछ मानती। ठंडे दिमाग से सोचो। मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ, किसने क्या किया, फिर अपने दिमाग से फैसला करो क्या सही है क्या गलत है। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी ज्योति के साथ सुलह हो गई है और आपने मुझे बताया भी नहीं। खूब एंजॉय कर रही हैं आप उनके साथ, लेकिन मुझे एक बार भी याद नहीं किया। आई एम वेरी अपसेट एंड आई डू नॉट वॉन्ट एनी एक्सप्लेनेशन। तुम्हें किसने बताया? अभय ने। तो आजकल अभय तुम्हें सारी बातें बताने लगे हैं, राइट? ना भी बताएं तो भी मैं बातें निकलवा लेती हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली जाने अनजाने में मुझे आपकी ऑफिस की और आपकी घर की सारी बातें पता चल ही चुकी हैं। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड एक्सक्यूज मी, अभय को मुझे नहीं बताना चाहिए था क्या? अरे नहीं नहीं ईशा, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मेरा ये मतलब नहीं था। एक्चुअली अभय अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करते और मुझसे तो वो खुलकर बातें भी नहीं किया करते। तो आई एम वेरी ग्लैड कि उन्हें तुम जैसा दोस्त मिला जिसके साथ वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारी सारी बातें सच नजर आ रही है। कौन सी बातें? यही कि प्यार होने के बाद शादी हो सकती है, लेकिन शादी के बाद प्यार होने की कोई गारंटी नहीं। ये हिंदुस्तान में ना पति और पत्नी को एक दूसरे की आदत लग जाती है और फिर उसे प्यार समझने लगते हैं, और या फिर समाज के बंधन में पड़ के इस रिश्ते को प्यार का नाम दे देते हैं। आई सिंपली कांट अंडरस्टैंड दिस। लेकिन फिर भी ईशा, मुझे शादी के इस बंधन में पूरा विश्वास है। आज भी इन रस्म रिवाजों में वही ताकत है जो आपको अपना प्यार वापस देकर ही रहती है। आई बिलीव इन इट। आई होप सो। भाभी, कैन आई डिस्टर्ब यू ओनली फॉर अ मोमेंट? ऑफ कोर्स, मैं ऑलरेडी इतनी ज्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ कि इससे ज्यादा डिस्टर्ब तो हो ही नहीं सकती। आइए ना। भाभी, एक्चुअली मैं आपको थैंक्स कहने आया था। आई मस्ट से यू हैव गट्स। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? निकिता के बारे में। जिस तरह से आपने निकिता को हैंडल किया, इतना सब कुछ सुनाया उसे, सबके बस की बात नहीं है ये। इतना छोटा सा मुंह लेकर आई थी वो मेरे पास। अब मैं क्या करती? वो मुझे मेरी गलतियां दिखा रही थी, फिर मैं कैसे चुप रहती? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने अभी, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि यही सही वक्त है। सही वक्त किसके लिए? अभी जो कुछ भी चल रहा है इसके पीछे निकिता का हाथ है। आप बहुत भोली हैं भाभी। निकिता ने आपका इस्तेमाल किया है, और भाभी वो बंटवारे वाली बात सब जानते हैं, ये भी निकिता के दिमाग से ही निकली है। मतलब सबको पता चल गया है कि निकिता कैसी औरत है। हाँ तो जैसी है वैसी ही दिखेगी ना। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। अभी मैं तो कह रहा हूँ यही सही मौका है। देखिए हम किस हालात से गुजर रहे हैं आप जानती हैं। हमारी कंपनी में कैसी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है ये भी आप जानती हैं। फिशु को अपने सारे पैसे इसी कारण नहीं मिल रहे हैं, और ऐसे में निकिता ने उस बच्चे के नाम जो अभी रहा ही नहीं, उस बच्चे के नाम 25 लाख रुपए ऐड लिए हैं।
मैं कह रहा हूँ यही सही वक्त है। आप निकिता से वो सारे पैसे मांग लीजिए। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं है? क्योंकि आप बहुत भोली हैं भाभी, बहुत सीधी हैं। भाभी आपको एक काम करना होगा, आपको ये बात सबके सामने उठानी होगी। नहीं। अरे भाभी यही करना होगा आपको। जैसे ही आप ये बात उठाएंगी ना, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। सोच लीजिए, विशु के 25 लाख रुपए हैं। डन भाभी? डन। तो मैं चलूं? कल सुबह ही ये बात छेड़ दूंगी, छोड़ूंगी नहीं निकिता के बच्चे। क्या बात है ज्योति जी, आज बहुत खुश लग रही हैं आप। विशु जी, इस खुशी में आपका बहुत बड़ा हाथ है। पूछे कैसे? कैसे पता है विशु जी? अपनों से रूठकर, दीदी से नाराज होकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। आज मैंने और दीदी ने घंटों तक बातें की। सच? बहुत अच्छी बात है। ज्योति जी, मुझे आपसे सॉरी कहना है। क्यों? ज्योति जी, आपने हमारे घर के लिए कितने सपने सजाए थे, लेकिन मेरे एक ही बार मना करने पर आपने सारे सपनों पर पानी फेर दिया। सॉरी फॉर दैट। विशु जी, आप ही ने तो कहा था ना कि हम जो कुछ भी करेंगे साथ मिलकर करेंगे, जिंदगी का हर एक कदम साथ मिलकर चलेंगे। विशु जी, हमारे नए घर का प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं। शायद हो सकता है इस घर में रहने में ही हमारी भलाई हो। ज्योति जी, घर शायद हम थोड़ी देरी से भले ही ले लें, लेकिन जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ना हमारा, उसको तो मैं किसी भी कीमत पर फेल नहीं होने दूंगा। आई वर्क वेरी हार्ड। और क्यों ना हम देवी माँ की मन्नत मांग लें? हम मन्नत मांगते हैं और जैसे ही ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है, वैष्णो देवी जाएंगे। वैष्णो देवी जरूर जाएंगे। माता से मांगी हुई मन्नत जरूर सफल होती है। और फिर पता है प्लान क्या है? फिर हम दोनों एक वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। और ये जो पैर है ना आपके, मेरे जमीन पर नहीं रखने दूंगा। बस नमस्कार। सुमित्रा, कल शास्त्री जी अपनी बहन और भांजी के साथ हमारे यहाँ आ रहे। आपने यश से बात की है ना? यश से बात? आओ शशांक। अरे शशांक, शशांक, कल यश से कहना कि जल्दी घर आ जा, क्योंकि शास्त्री जी अपनी बहन के साथ उसे देखने आने वाले हैं। लेकिन यश तो आज शादी के लिए मना कर रहा था, फिर ये देखना दिखाना क्यों? अरे वो लोग भी लड़की दिखाने के लिए आ रहे हैं, बस लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले और पसंद कर ले। शादी थोड़ी करनी है, शादी तो आराम से 2-3 साल के बाद होगी। आई, आज के जमाने में मंगनी होने के बाद इतने सालों तक कोई नहीं रुकता है। क्यों, इसमें मुश्किल क्या है? देखो, तुम लोग जब लव मैरिज करते हो तो एक दूसरे के लिए रुकते हो ना, वैसा ही समझो। लड़की अपने घर आएगी, घुल मिल जाएगी, क्यों? ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। शशांक, ये पैम्फलेट देखा तुमने? मैं गया था ये फ्लैट देखने, बे बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया। मैं तो कहता हूँ कि इस पैम्फलेट को तुम प्रियंका को दिखा देना, और हो सके तो उसे साइट भी दिखा लाना। अब जब आपने देख ही लिया होगा तो जांच पड़ताल भी कर ली होगी, और फिर जब आपको पसंद है तो हमें भी। लेकिन हम कभी डिनर पे नहीं गए। थाई फूड खाने चलते हैं। व्हाट से? ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट आइडिया।
एंड गेम. अबे सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे मिसेस मल्होत्रा से मिलना है. तुम जानती हो मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है. हाँ पर मैंने कब कहा कि हम मीटिंग के दौरान चलेंगे, हम मीटिंग के बाद भी चल सकते हैं. हाँ लेकिन मिस्टर मल्होत्रा का ऑफिस थाई रेस्टोरेंट से काफी दूर है और शाम के वक्त ट्रैफिक भी कितना होगा. कब पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा, आई डोंट नो. मुंबई की ट्रैफिक में थोड़ा मुश्किल है. व्हाई डोंट टू ऑफ यू गो. नहीं नहीं जाने दो, हम फिर कभी चलेंगे. नो प्लीज, इतने दिनों बाद मूड बनाया है, डोंट कैंसिल इट प्लीज. एक मिनट, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग समथिंग. हाँ याद आया, ईशा तुम्हारा बिजनेस सेंटर से फोन आया था, 7 बजे एग्जीबिटर्स के साथ कुछ मीटिंग है, समथिंग अबाउट द स्टॉल. आज 7 बजे और आप मुझे अब बता रहे हैं? सॉरी आई फॉरगॉट. थैंक्स, 7 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है. लेकिन ईशा व्हाट्स द प्रॉब्लम, ये मीटिंग्स नॉर्मली लेट स्टार्ट होती है. हाफ एन आवर सो. अबे आप टाउन ही जा रहे हो ना, और ईशा को भी टाउन जाना है, आप इसे ड्रॉप क्यों नहीं कर देते? ईशा व्हाई डोंट यू गो विद हिम, आप ले चलेंगे मुझे? हाँ ठीक है लेकिन अभी निकलना पड़ेगा, मैं वेट नहीं करूंगा. अबे मीटिंग के बाद आप घर ही आ जाना, हम दोनों डिनर साथ में करेंगे. Not that bad. We'll have candlelight dinner together. Okay. ठीक है. मैं आपका इंतजार करूंगी. Fine. चलो मैडम. चलो. चलो. Bye. Bye. कुसुम दीदी कहाँ रह गई? पता नहीं. आप तक तो आ जाना चाहिए था ना. लेकिन उन्होंने मैं यहाँ पे बुलाया क्यों? उन्होंने बस फोन पे ये कह दिया था कि 7 बजे रेस्टोरेंट में पहुंच जाना. मैं आगे पूछने वाली थी, उन्होंने फोन रख दिया. Very strange. यश, तुम आजकल मिलते नहीं हो, बहुत बिजी हो गए हो क्या? अरे नहीं, वो क्या है ना, नया नया काम है और नए नए काम में सेटल होने में थोड़ा टाइम तो लगता है और मुझे जिंदगी में बहुत तरक्की करनी है. तुम लड़कों को बिजनेस के सिवाय और भी कुछ सीखना चाहिए. अच्छा, व्हाट डू यू मीन? मतलब यही घूमना फिरना, सैर सपाटा, रोमांस, प्यार मोहब्बत, शादी वगैरह. बिजनेस के सिवाय और भी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं. अच्छा अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं था. और तुम लड़कियों को शादी प्यार मोहब्बत के अलावा और कुछ आता है? अब तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हारी राय चाहती हूँ. ये मेरे वेडिंग कार्ड का रफ डिजाइन है, तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं फाइनलाइज करा लेती हूँ. तुम शादी कर रही हो? हाँ, इरादा तो यही है, तभी तो वेडिंग कार्ड का डिजाइन लाई हूँ. लेकिन कब, कहाँ, किससे? तुम खुद ही पढ़ के देख लो. सुजैन, तुम ये फैसला अकेले कैसे कर सकती हो? तुम्हें एतराज है? नहीं, लेकिन मैं जिस लड़की से शादी करने जा रहा हूँ, मुझे कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं. इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं. तुमने थोड़ी देर कर दी, मैं तुम्हें कब से बताना चाहता था कि सुजैन, I love you and I want to marry you. Would you marry me? Yes. Yes, I will. Yes, that calls for a celebration. Kusum didi kahan reh gayi? Kusum didi kahan reh gayi? Unhe kisi ne bulaya tha kya? Oh my God. To ye hai Mr. Malhotra ka office. Garden ke beech mein. By the trees. जैसे कि तुम्हारा बिजनेस सेंटर भी कहीं और था, वो भी तो यही कहीं था ना. Near the garden, by the trees. इस झूठ का क्या मतलब समझो? अच्छा, जैसे कि तुमने कभी झूठ बोला ही नहीं. मेरा झूठ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता. अब देखो ईशा, झूठ को कितना भी किसी भी तरह जस्टिफाई करो, झूठ झूठ होता है. शायद, पर मेरा प्यार सच्चा है. तुम अपना प्यार का हक जता सकते, लेकिन अगर मैंने अपना हक जताने के छोटा सा झूठ कहा तो गलत है. कहीं मैंने अभय को अपने प्यार के बारे में बता के कोई गलती तो नहीं की ना? ईशा, शायद यहाँ आकर हमने कुछ गलती की. कहीं अभय मेरी वजह से कुसुम से दूर तो नहीं हो रहा है? नहीं, वो तो कुसुम के करीब कभी था ही नहीं. ईशा, तुम मेरे इतने पास हो लेकिन फिर भी क्यों लगता है कि तुम मुझसे बहुत दूर हो? अभी भी वक्त है, रुक जा ईशा, अपनी भावनाओं को यही रोक दे. शायद तुम्हारा मूड ठीक नहीं. आई थिंक वी शुड गो फॉर. अच्छा नहीं, आ गए हैं तो थोड़ी देर रुक जाते हैं ना.
थैंक्स, गुड नाइट। वो बनाने में नहीं, रात बहुत हो चुकी है, कुसुम तुम्हारा इंतजार कर रही है। गुड नाइट। क्या वो असल ऑफिस में, तुम तो जानती हो कि बिजनेस, तो मेरा वेट मत किया करो कसम, मुझे अच्छा नहीं लगता। यू डकियानी उसी इंडियन लाइफ की तरह, इट इज फॉर बोथ ऑफ अस, तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी। So